This call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करें। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम क्या कर रहे हैं, हम नाइन्थ क्लास में मैथ्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक जरूरी कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो उससे पहले आप क्या करना है बेटा, अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है जब तक कि आपसे ओपन करने के लिए ना बोला जाए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है या कोई भी डाउट आपका होता है, ठीक है, आपको कोई आंसर टाइप करना है, तो आप कहाँ पर करेंगे, इन कॉल मैसेज में जाकर करेंगे। तो इन कॉल मैसेज में कैसे जाते हैं, तीन बिंदु पर क्लिक करना है आपको और इन कॉल मैसेज पर आ जाना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इन कॉल मैसेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपना सवाल डाउट या आंसर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में जाके आपको आंसर करना है, तो उसके लिए आप क्या करना है कि एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाता है, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्वेश्चन नंबर आएगा और ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना, ठीक है। चलिए अभी हम कर लेते हैं रिवाइज। हमने लास्ट क्लास में किया था पूर्णांकों का भाग, तो क्या कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि पूर्णांक क्या होते हैं? सर, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नंबर आते हैं और जीरो भी आता है उसे पूर्णांक कहते हैं। वेरी गुड। तो जिसमें ऋणात्मक नंबर भी होंगे, धनात्मक नंबर भी होंगे, ठीक है, इन समूह के, इस समूह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो इसको हमने सीखा है गुणा करना, जोड़ना हमने सीख लिया है, घटाना हमने सीख लिया है और भाग करना हमने सीख लिया, ठीक है। तो भाग करने को हम रिवाइज करेंगे कि हमने कैसे दो पूर्णांकों को भाग किया था, उसको हम रिवाइज करते। तो भाग करने के नियम से स्टार्ट करते, कि भाग करने के नियम, भाग करने के नियम मैंने लिखवाए थे आपको, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। कि पहला जो नियम था वो था कि अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को भाग करेंगे या फिर दो नेगेटिव नंबर को भाग करेंगे, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लस को भाग करना है प्लस से, है ना, माइनस को भाग करना है माइनस, माइनस को भाग करना है माइनस, तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस ही आएगा, ठीक है। दूसरा मैंने रूल आपको बताया था कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं और इसको अभी आपको क्या करना है, भाग करना, इसको भाग कर, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं कि प्लस को भाग करना है माइनस से और माइनस को भाग करना है प्लस, तो हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में है, हमेशा जो आंसर आएगा वो आपका माइनस में आएगा। चलिए एक एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं और इसको जल्दी से टॉपिक को खत्म कर। तो पहला एग्जांपल मैंने लिखा कि 16 को अगर आप भाग करेंगे 4 से, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा, 16 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे। वेरी गुड, प्लस के आएगा, क्यों आएगा प्लस के, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो इसलिए प्लस का 4 है। चलिए दूसरा नंबर बताएंगे, मैंने लिखा माइनस के 27 को भाग करना है आपको माइनस के 3 से, माइनस के 3 से, माइनस 27 को भाग करना है माइनस के 3 से, यहां पर बताएंगे चैट बॉक्स में आंसर क्या आएगा, दोनों नंबर माइनस के, दोनों नंबर माइनस के हैं। राजेश तिवारी के नाम से जो बच्चे हैं जो ज्वाइन हैं उनका माइनस में आ रहा है, अनुज कुमार का भी माइनस में आंसर आ रहा है। बेटा अभी मैंने बताया है पीछे, अभी मैंने यहाँ पर रूल लिखवाए हैं कि दोनों माइनस के होते हैं तो हमेशा उत्तर प्लस का आता है, अभी भी लेकिन आप माइनस लगा रहे हैं बेटा, ये तो रिवीजन चल रहा है ना आपका, तो ध्यान से समझेंगे चीजों को। अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा ना कि माइनस का आएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उत्तर तो प्लस का आने वाला है, उत्तर आएगा प्लस का, 3 × 27 तो प्लस का 3 आया, प्लस का 9 आया बेटा, ठीक है, 3 × 27 प्लस का 9 आंसर आएगा। चलिए ध्यान रखेंगे बेटा आगे।
अभी समझ में आ गया सबको? सर आज आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? सर क्लियर आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। चलिए सर आवाज नहीं आ रही आपकी। रोहित के नाम से जो बच्चा है बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास, रीजॉइन करना है क्लास, रीजॉइन क्लास। सर आवाज नहीं आ रही बेटा, रीजॉइन करेंगे क्लास को लिखा है देख लीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी मैंने लिखा माइनस के 16 को भाग करना है माइनस के 4, माइनस के 4 से चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है रीजॉइन करेंगे क्लास, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, तो अभी समझ में आया आवाज को ध्यान दी सर। यस सर। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? नो सर। जो बाकी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी को आवाज आ रही है? यस सर। नो सर। तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को रीजॉइन करें। चलिए यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया? यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है कि अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा प्लस में, है ना, प्लस में आंसर आएगा आपका। तो प्लस में आंसर आया आपका कितना? 4, प्लस के 4। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैंने लिखा कि माइनस के 28 को भाग करना है आपको 7 से, बताइए कितना आएगा आंसर? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। एक नंबर माइनस का दिया हुआ है, एक माइनस का दिया है, एक प्लस का दिया, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस के आंसर आने वाला है आपका, क्योंकि अलग अलग चिन्ह और अलग अलग चिन्ह है तो माइनस में उत्तर आता है। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाएंगे। अभी आगे यहाँ पर ध्यान देंगे, पांचवा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये लिखा है मैंने पांचवा एग्जाम्पल कि अगर आपको 30 को डिवाइड करना है किससे? 6 से डिवाइड करना है माइनस, बताइए क्या आंसर आएगा? माइनस के 6 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो, एक प्लस का दिया हुआ है एक माइनस का दिया हुआ, तो अभी भी माइनस का आंसर आने वाला है क्योंकि अलग अलग चिन्ह, हमें बड़े नहीं देखना है इसमें। तो 30 को डिवाइड करना है माइनस 6 से, तो 6 × 5 = 30, ठीक है, तो माइनस के 5 आंसर आया, माइनस के 5 आपका आंसर आया। वेरी गुड, चलिए अभी किसी बच्चे का डाउट था बेटा कि हमें ना लास्ट क्लास में ये चीजें समझ में नहीं आई थी, तो बेटा फिर से मैं उस चीजों को समझा देता हूँ आपको, नोट बनाकर लिख लेंगे। मैंने लिखवाया था आपको कि 60 मिनट में एक घंटा होता है ना, कितने घंटे होते हैं? एक घंटे होते हैं बेटा 60 मिनट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है क्या कि एक मिनट में कितने घंटे होंगे, एक मिनट में होते हैं 1/60 घंटे, 1/60 घंटे। इसका मतलब कि अगर आपको मिनट में कोई संख्या दी हुई है कि 1200 मिनट दिया हुआ है, 1200 मिनट को आपको चेंज करना है घंटे में, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? 60 से भाग कर देना, 60 से भाग कर देना है तो घंटे में आ जाते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा और 6 × 12 और 0 ऐसे ही लिख लेंगे, तो 20 घंटे आ गए। अभी बताएंगे बेटा, इतना समझ में आया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। चलिए सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। क्या समझ में नहीं आया बेटा? आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे अपना। कुमार किशन के नाम से जो बच्चे जो हैं। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, अगर हमें घंटे के हिसाब से दिया तो हम मिनट में कैसे चेंज करेंगे? बेटा अगर घंटे दिए हुए हैं, अगर एक घंटा दिया हुआ है, मैंने बताया ना एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर जैसे दिया हुआ 4 घंटे, 4 घंटे को आपको मिनट में बदलना है, तो आप 60 से गुणा करेंगे,
कितने आ जाएगा, 6 चौक 24 240 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मिनट से घंटे में जाना है तो डिवाइड करना है, घंटे से मिनट में जाना है तो गुणा करना है। आया समझ में अभी? यस सर, अब आ गया। चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी इस पर और पॉइंट पर ध्यान देंगे कि 60 मिनट में या 60 सेकंड में कितने घंटे होते हैं और कितने मिनट होते हैं। एक मिनट होता है, 60 सेकंड में एक मिनट होता है, तो एक सेकंड में कितने मिनट होगा, एक सेकंड में होगा 1/60 मिनट। इतना तो पता है सर हमें। बेटा पता है तो रिवाइज कर लीजिए आप, ठीक है, आप बोलेंगे नहीं ऐसे। अगर आपको पता है तो आप रिवाइज कीजिए इस चीज को ताकि और पक्का हो जाए, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा आंसर गलत हो जाता है, तो इसलिए रिवाइज करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ सभी का, है ना, आंसर पोल सेक्शन उसमें चैट सेक्शन में आना चाहिए। मैंने आपको बोला कि 240 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 240 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे चैट बॉक्स। वेरी गुड, तो आपको क्या करना है, सिंपल 60 से भाग कर देना, 60 से इसको क्या कर देना है, भाग कर देना, तो आपका क्या आएगा, मिनट में आ जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 चौक 24, तो 4 मिनट आपका आंसर है। वेरी गुड, चलिए बेटा ये नहीं समझना है आपको कि मतलब ये चीजें हमें आता है, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, बिल्कुल लग सकता है कि छोटी छोटी चीजें हैं हमको आती है, लेकिन एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा तो और पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बेटा, अभी रिकॉल टेस्ट है बेटा आपका। ठीक है, इसका आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन। चलिए, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी आपका और पोल सेक्शन आपको ओपन कर दिया, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लेंगे कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन कर आए, अभी हमने क्वेश्चन किया, तो सभी बच्चे पहले पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे। ठीक है, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा जब तक कि पोल आपका चल रहा कर दिया, जब तक पोल आपका चल रहा है तो कोई भी अपना आंसर नहीं बोले। चलिए बेटा शाबाश, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है और जो बाकी बच्चे रह गए वो भी अपना आंसर कर दें। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे भी ज्वाइन है क्लास में सभी को आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाना आता है सबको, तीन बिंदु आपको दिए होंगे राइट कॉर्नर पर, उस पर आपको क्लिक करना है और एक्टिविटी। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा बेटा, आप रीजॉइन करेंगे क्लास को जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ, रीजॉइन कर लीजिए क्लास को फिर से। चलिए, एक्टिविटी आपको दिखेगा लास्ट ऑप्शन, जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं ABCD, तो जिस जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 5 सेकंड के बाद में पोल बंद कर, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया कि 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं और क्या बोला था मैंने कि आपको क्या करना है, आपको 60 से भाग कर देना है, बस 60 से भाग करेंगे तो ये मिनट में आ जाता है ना, तो 0 से 0 6 6 36, तो 6 मिनट आपका आंसर आ गया, 6 मिनट आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन आपका सही। चलिए, अगर यहाँ तक चीजें सभी को समझ में आई है तो वाई टाइप करेंगे बेटा, अगर यहां तक सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, अभी हम आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पर। ठीक है, नया टॉपिक है हमारा नंबर लाइन संख्या रेखा। हमने यहां पर देखो पूर्णांक को हमने गुणा करना सीख लिया है, जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया है, भाग करना सीख लिया,
तो यही चारों चीजें हमें सीखनी होती है और ये चारों चीजें हमने सीख ली हैं अभी तक। ठीक है, तो अभी हम नए टॉपिक पर आ रहे हैं और नया टॉपिक है हमारा नंबर लाइन संख्या रेखा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। तो सभी बच्चे नोट करते जाएंगे बेटा, अपना जो कॉपी आप लेकर बैठे हैं, नोटबुक लेकर बैठे हैं, उस पर नोट करते जाएंगे साथ के साथ, और जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो भी सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को नोट करते। तो यहाँ देखिए संख्या रेखा क्या होती है। जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद रखिए। तो मैंने क्या बोला कि किसी रेखा पर है ना, कोई रेखा मैंने खींच दी यहाँ पर, ये मैंने रेखा खींच दी। इस रेखा पर अगर हम संख्या को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो मैंने संख्या को निरूपित किया, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं संख्या रेखा। एरो बना दिया मैंने, इस एरो का मतलब है कि ये संख्याएं आगे तक चलेगी, मतलब 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, आगे तक नंबर चलते जाए। ठीक है, अभी मेरे को आप बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे, ये जो संख्या रेखा मैंने बनाई है और हमने संख्या पढ़ी हुई है ना, हमने संख्याएं कौन कौन सी पढ़ी है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो ये कौन सी संख्या रेखा है, कौन सी संख्या रेखा है बेटा? ये पूर्णांक सर। बेटा पूर्णांक में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो पूर्णांक तो नहीं होगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। और पूर्णांक, पूर्णांक में तो बेटा नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आते हैं, तो ये पूर्णांक तो नहीं है। ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है ना, ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। तो हम इसको बोल सकते हैं ये पूर्ण संख्या की संख्या रेखा है। कौन सी संख्या रेखा है, पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या रेखा। हाँ, पूर्ण संख्या की संख्या रेखा। ठीक है, चलिए अगर ये चीजें समझ में आई है तो अभी आप बताएंगे मेरे को कि यहां पर मैंने ये एक संख्या रेखा और बना दी। ठीक है, एक और संख्या रेखा बना दी, लेकिन अब की बार इस संख्या रेखा को मैंने एक से स्टार्ट किया, एक, दो, तीन, चार, ये, पांच, सर, ये जो है ना ये प्राकृतिक संख्या है। ये कौन सी संख्या रेखा है, प्राकृतिक संख्या रेखा। ठीक है, प्राकृतिक एन जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या रेखा है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया है। अभी आप बताएंगे एक और संख्या रेखा में बना, ठीक है, और यहां पर मैंने रखा बीच में तो जीरो, और राइट साइड में मैंने रखे सारे के सारे धनात्मक नंबर। सारे नंबर कैसे होंगे, पूर्णांक है। ठीक है, और लेफ्ट में मैंने रखा, यस, लेफ्ट में मैंने रखा सारे ऋणात्मक नंबर, नेगेटिव नंबर। तो इस नंबर रेखा को, इस संख्या रेखा को हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको, यहां तक समझ में आया? यस सर। अभी आप देखकर बता सकते हैं, देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या रेखा पूर्ण संख्या रेखा है, प्राकृतिक संख्या रेखा है, पूर्णांक संख्या रेखा है। तो अगर यहाँ तक सबको समझ में आया है तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में एक संख्या रेखा बनाएंगे। और कौन सी संख्या रेखा बनानी है आपको, मैं अभी चेक करूंगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे पूर्णांक, पूर्णांक की संख्या रेखा बनाएंगे, पूर्णांक संख्या रेखा बनाएंगे अपनी नोटबुक। बनाइए बेटा जल्दी, सभी बच्चे बनाएंगे और अभी मैं चेक करूंगा कि नोटबुक। जिसका बन जाएगा बेटा हैंड रेज करके।
संजू सेनी के नाम से जो बच्चा है उनका बन गया है। वेरी गुड बेटा, पूर्णांक संख्या रेखा, वेरी गुड बेटा, इसी तरीके से आपको बना। चलिए शब्बास, अभी सर हो गया। सिंह राज के नाम से जो बच्चा इन्होंने बनाया है, वेरी गुड बेटा। चलिए अभी किसका हुआ है, और किसने बनाया? सर मेरा। हाँ, कुमार किशन के नाम से ये बच्चे जो है ने। चलिए आप दिखाएंगे बेटा, कैमरा ऑन करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे बेटा, अपना वीडियो ओपन करेंगे। शाबाश बेटा, चल आगे। और किसने बना लिया बेटा, और किसने बना लिया है पूर्णांक संख्या रेखा? भगत सिंह के नाम से जो बच्चा है आपने बना लिया है क्या? भगत सिंह के नाम से जो बच्चा है, चलिए तो वेरी गुड। अभी कुछ बच्चों ने बना लिया है लेकिन कुछ बच्चों ने दिखाया नहीं है मेरे को अभी तक, तो सभी बच्चे अपने ये पूर्णांक संख्या रेखा बनाएंगे और मेरे को दिखाएंगे, ठीक है? चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। तो अभी आपको समझ में आ गया है कि संख्या रेखा पर जब हम नंबर को, संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है? अभी एक चीज और आपको ध्यान रखना है इसमें कि जीरो और एक के बीच की ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं एक इकाई या एक मात्रक, इंग्लिश में बोलेंगे एक यूनिट, ठीक है? एक यूनिट। तो ये वाली जो दूरी है जीरो और वन के बीच में, यही सेम दूरी सबके बीच में होती है। ये भी एक होगा, दो और तीन के बीच में भी एक होगा, है ना? तीन और चार के बीच में भी एक होगा, तो ये सबके बीच में सेम दूरी होगी। यहाँ पर भी क्या होगा, सेम ही दूरी होगी एक, यहाँ पर माइनस दो और माइनस एक के बीच में भी सेम दूरी होगी एक। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए तो इसको ही आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, जीरो और एक से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी एक इकाई दूरी कहलाती है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं एक इकाई दूरी, और ये सब में सेम होता है। ये यहाँ पर भी सेम होगा, ये यहाँ पर भी सेम होगा, है ना? दो और तीन के बीच में भी सेम होगा, तीन और चार के बीच में भी सेम, तो सबके बीच में सेम दूरी होगी। चलिए अगर यहां तक समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। ये इतना समझ में आया है तो बेटा वाई टाइप करें, यहां तक अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करें, वेरी गुड। चलिए अभी बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर, कि मैंने एक ये संख्या रेखा बना दी यहाँ पर, ठीक है? एक संख्या रेखा बना दी और इस संख्या रेखा पर मैंने कुछ नंबर को निरूपित कर दिया, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक और पांच या दो और पांच के बीच में कितनी दूरी है? दो और पांच के बीच की दूरी बता सकते हैं? दो और पांच के बीच की दूरी सर दो इकाई। फिर से देख लीजिए बेटा, दो और पांच के बीच की दूरी, दो यहाँ पर है सर, जो दो है और तीन है सर, आप ही सर पहले मेरे को बताया किसी ने कि दो और तीन के बीच में दस नंबर होते हैं। हाँ बेटा, उस चीज पर हम आएंगे अभी, ठीक है? अभी हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो मैंने सिंपल आपसे पूछा है कि जीरो और एक के बीच की दूरी को हम एक मात्रक बोल रहे थे, एक इकाई बोला ना हमने, एक इकाई होता है ये, तो उसी से आपको बताना है, उसी से आपको बताना है कि दो और पांच के बीच की कितनी दूरी होगी। सर तीन है। सर तीन, सर तीन इकाई है। तीन इकाई है, वेरी गुड। कैसे होगा देखो, दो से तीन पर जाएंगे तो एक इकाई तो ये, तीन से चार पर जाएंगे तो एक इकाई ये, और चार से पांच पर जाएंगे तो एक इकाई ये, तो टोटल कितनी इकाई हो गई? तीन इकाई, ठीक है? तीन इकाई हो गई। समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया है? यस सर। दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है,
कि बड़ी संख्या में से, बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, छोटी संख्या। अब देखिए यहां पर दो और पांच दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या तो पांच है, तो पांच में से दो को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तीन। तो तीन इकाई की दूरी होगी दोनों के बीच। आ गया बेटा ये समझ में? यस सर। चलिए अगर ये चीज समझ में आई है तो अभी इसका आंसर आप बताएंगे। देखो क्या लिखा गया है, क्या आप बता सकते हैं बिंदु एक और चार के बीच की दूरी क्या है? देखो एक कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर दे रहा है एक, एक और चार के बीच की दूरी बतानी, दूरी बतानी है। तीन। वेरी गुड, तीन ही आंसर आ रहा है सबका, क्योंकि एक और दो के बीच की दूरी एक तो ये हो गई, एक हुई दो और तीन के बीच में, और एक हुई तीन और चार के बीच, तो टोटल कितनी हो गई? तीन इकाई। तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा आप कैसे निकाल सकते हैं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या है चार और छोटी संख्या है एक, तो आपका आंसर आया, आपका आंसर आया तीन। क्या यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी, तो यही आंसर आ रहे हैं। देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करा तो तीन आंसर आ गए, अभी आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है, यहाँ बिंदु एक और चार के बीच की दूरी तीन इकाई है, तीन इकाई बोलते हैं हम या फिर यूनिट्स बोलते हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं, आगे देखो बेटा क्या लिखा गया, एग्जाम्पल दिया हुआ है बिंदु माइनस दो से और तीन के बीच की दूरी बताइए, माइनस दो और तीन के बीच की दूरी, तो माइनस दो है यहाँ पर और तीन है यहाँ पर, इनके बीच की दूरी बताएंगे बेटा। सर एक। बेटा ध्यान से देख लीजिए। सर पांच है। वेरी गुड, ध्यान से देख लीजिए बेटा आंसर करने से पहले कितनी दूरी आ रही है, पांच आ रही है। वेरी, देखो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। पहला तरीका दो और एक के बीच की दूरी, या फिर आप ऐसा ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि आप पहले जीरो से निकाल लीजिए, देखो जीरो से यहाँ तक की दूरी एक ये, फिर एक से दो तक की दूरी, फिर दो से तीन तक की दूरी, तो टोटल कितना हो गया तीन, तो ये तो तीन आ गया। अभी जीरो से निगेटिव नंबर की दूरी लेंगे, यहाँ पर ये एक आ गया और फिर यहाँ पर एक आया, तो ये आ गया दो। अभी दोनों को ऐड कर दीजिए कि दो प्लस तीन कितना हो गया पांच, तो पांच आपका आंसर है, पांच आपका आंसर है। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है कि बड़ी संख्या में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। इस पॉइंट को बेटा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि किसी बच्चे ने इसी पॉइंट का यूज करके एक बताया था, इसी पॉइंट का यूज करके एक बताया था। बड़ी संख्या तो है यहाँ पर तीन, ये तो पता है ना बेटा कि माइनस दो और तीन में बड़ा कौन है, तीन बड़ा है, ठीक है। अभी देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाया, अब छोटी संख्या, छोटी संख्या है माइनस दो, तो हमें माइनस दो यहाँ पर लगाना है ऐसे, तब आपको सोल्व करना है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो अब आ गया कितना आंसर, माइनस का पांच आएगा, प्लस का पांच आएगा बेटा, क्योंकि दोनों संख्या कैसी है प्लस की, ये भी प्लस के तीन है और ये भी प्लस के दो, तो प्लस का पांच आएगा। अभी यहाँ तक समझ में आया है सबको? सर यस। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आया है तो बेटा आगे ध्यान दो, देखो यहाँ पर यही लिखा गया है कि जीरो से लेकर तीन तक की दूरी थी तीन इकाई, और जीरो से लेकर माइनस दो तक की दूरी थी दो इकाई, तो दोनों को हमें जोड़ देना है, दोनों को हमने जोड़ा तो पांच इकाई आया, या फिर हमारे पास क्या था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना, तो हमारा आंसर आया पांच। समझ में आया बेटा? चलिए अगर समझ में आया है तो अभी बताएंगे, अभी इसका आंसर आप देंगे बेटा। क्या था क्वेश्चन? बिंदु दो और के बीच की दूरी, ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे
यहाँ पर आप बताएंगे कि माइनस तीन और माइनस एक के बीच की दूरी सर दो इकाई सर दो इकाई सर दो इकाई चैट बॉक्स में आंसर्स आने चाहिए बेटा सभी के। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है, दो इकाई। ठीक है, कैसे आप नंबर लाइन बनाना आ गया है ना, नंबर लाइन बनाना आपको आ गया। तो यहाँ पर नेगेटिव दिया तो हम बस नेगेटिव को बना लेते हैं, हम पॉजिटिव नहीं बनाते, हम बस नेगेटिव बना लेते हैं कि जीरो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन। तो माइनस तीन और दो के बीच देखना है हमें, तो ये है माइनस तीन और ये है एक। तो अभी देख लेते हैं, तो तीन और दो के बीच की दूरी एक ये और एक ये, तो कितनी हुई, सिर्फ दो। तो दो इकाई हमारे पास आंसर। तो ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका मैं क्या बता सकता हूँ कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो कौन बताएगा बेटा इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? सर माइनस थ्री। सर माइनस थ्री। माइनस थ्री, सबका आंसर आ रहा है बेटा माइनस थ्री, लेकिन माइनस थ्री संख्या बड़ी माइनस थ्री माइनस बड़ी नहीं है। माइनस वन बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, ध्यान दीजिए, मैंने नंबर लाइन पर आपको बताया है कि जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर बढ़ते हैं, नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, और जब हम लेफ्ट जाते हैं तो नंबर घटते हैं, नंबर छोटे होते चले जाएंगे। माइनस वन माइनस दो माइनस तीन, देखो जीरो से छोटा माइनस वन, माइनस वन से छोटा माइनस टू, माइनस टू से छोटा माइनस तीन, कौन सा छोटा हुआ, माइनस तीन छोटा हुआ, माइनस वन बड़ा हुआ। क्या आया है समझ में सभी को? Yes, क्या ये चीज समझ में आई है सबको? चलिए, अगर ये चीज समझ में आई है तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। Yes, सर। मैंने क्या बताया आपको, अभी दूसरे तरीके से हम करते हैं इसको। बड़ी संख्या तो हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो बड़ी संख्या है माइनस वन और छोटी संख्या है माइनस, तो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व किए हमने, है ना, कि माइनस वन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के तीन, और अभी हम घटाएंगे, घटाएंगे तो तीन में से एक जाएगा तो दो बचेगा, और प्लस के दो बचेगा। ठीक है, प्लस के दो बचा तो आंसर कितना आया, प्लस के दो। क्या ये चीज समझ में आई है सबको? Yes, sir. चलिए, अगर ये चीज समझ में आई है तो बेटा एक नोट और याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, कि जो दूरी होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक ये लिख लेंगे बेटा नोट, ठीक है, नहीं होती है, हमेशा धनात्मक होती है। कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप अपने घर से, अपने घर से कहां जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में जाते हैं आप, तो कुछ दूरी को तय करके जाते हैं ना, कि आप बोलते हैं कि पांच किलोमीटर की दूरी है, है ना, पांच किलोमीटर की दूरी है, या फिर छह किलोमीटर की दूरी है। आप ये नहीं बोलते कि माइनस पांच किलोमीटर है, आप ये नहीं बोलते कि माइनस छह किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, पांच किलोमीटर, आप ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया बेटा सबको कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। ठीक है, सभी बच्चे पहले अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करें। और एक चीज ध्यान देंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको संख्या रेखा से पूछा जाता है तो पहले आप संख्या रेखा अपनी नोटबुक में बना लेंगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो संख्या रेखा को पहले बनाना है और उसके बाद आप आंसर करें। चल, तो ये रहा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभी आपको बताना है संख्या रेखा पर बिंदु दो और सात के बीच की दूरी, दो और सात के बीच की दूरी बताना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है। ध्यान से बेटा, जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे।
सर हो गया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वो कुछ नहीं बोलेंगे, आंसर नहीं बताएंगे, बाकी सभी बच्चों को अपना आंसर करना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। आपको बताना है दो और सात के बीच की दूरी, तो दो ये रहा और सात ये रहा आपके पास, बता दीजिए बीच की दूरी क्या है। पोल में कैसे जाते हैं, तीन बिंदु पर आपको क्लिक करना है, एक्टिविटी का आपका ऑप्शन आता है, ठीक है, ऐसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाते हैं, जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और आंसर करते हैं। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी के आंसर आने चाहिए बेटा। काफी बच्चे रह गए हैं बेटा अभी भी, तो जल्दी से अपना आंसर करें, जल्दी अपना आंसर करेंगे जो भी बच्चे रह गए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर सही आया, जितने बच्चों ने आंसर किया है सी ऑप्शन आपका आ रहा है, लेकिन काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में, तो ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चों को आंसर करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हमारा आंसर आ रहा है, दो और सात के बीच की दूरी देखनी है, दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ आपको, पहला कि दो से तीन पर जाएंगे एक, तीन से चार पर जाएंगे एक ये, चार से पांच पर जाएंगे एक ये, पांच से छह पर जाएंगे एक ये, और छह से सात पर जाएंगे तो एक, कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया पांच, पांच इकाई आपका आंसर आ। दूसरा तरीका मैंने बताया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर, तो सात में से दो को माइनस कर देंगे, 7 - 2 = 5। वेरी गुड, 7 - 2 = 5। चलिए तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, ये आपका ऑप्शन। चलिए आगे आ जाते हैं, अभी आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ, सात संख्या रेखा पर चार के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से समझ लेंगे और उसके बाद आप बताएं, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले आपको समझा देता हूं, बोला गया है कि सात संख्या रेखा पर, रेखा कौन सी रेखा है, संख्या रेखा, ठीक है, ये संख्या रेखा, तो मैंने संख्या रेखा बना ली, मैंने बना ली संख्या, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव की बनाई है ना, धनात्मक की ही संख्या रेखा बनाई, ऋणात्मक नहीं मैंने लिखा, ऋणात्मक मैंने नहीं लिखा। अभी देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सात संख्या रेखा पर चार के, किसके, चार के, जहां पर के आ जाता है उस संख्या से देखना है आपको, तो किससे देखना है, चार से देखना है, चार से देखना है, किसको, सात को, सात राइट में आएगा या फिर लेफ्ट में आएगा, बताइए, सात या तो राइट में आएगा चार के या फिर लेफ्ट में आएगा, वेरी गुड, तो चार देखो, चार से देखना है, सात कहां पर आ रहा है, राइट में आ रहा है, चार कहां पर आ रहा है, राइट में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो। क्या चीजें समझ में आई है सभी को, और ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यस सर। बेटा मैंने सिंपल ये बोला, चार जो है यहाँ पर नंबर संख्या रेखा पर चार दिख रहा है आपको, इस चार के ये सात राइट में है या लेफ्ट में है, इधर वाला होता है राइट और इधर वाला होता है लेफ्ट, अब बताइए लेफ्ट में है या राइट में है सात, राइट में, राइट में है, जीरो बताइए, जीरो राइट में है या लेफ्ट में, चार के लेफ्ट में है, लेफ्ट में, तो इतना सा क्वेश्चन आया अभी समझ में। यस सर। चलिए अगर ये समझ में आया है आपके तो आप मेरे को ये वाला क्वेश्चन कर बताएंगे। मैंने बोला कि पांच, पांच जीरो के, तो बेटा जहां पर के आ जाता है
उसी से देखना होता है, मतलब जीरो से देखेंगे आप, जीरो के किस ओर है बताइए, किस ओर होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा? राइट बेटा, राइट होगा। किसी बच्चे ने लेफ्ट लगाया हुआ है, पता नहीं। नंबर लाइन ये रही, जीरो ये रहा, जीरो एक दो तीन चार पांच, तो जीरो के राइट में है पांच, तो लेफ्ट में तो है ही नहीं। क्या अभी चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए अगर चीजें समझ में आई है तो बताएंगे कि माइनस छह माइनस दो के किस ओर है? ध्यान से बेटा क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है? नंबर लाइन आपको बनानी है जरूर, तभी आप आंसर कर पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा बेटा। तो नंबर लाइन बना लीजिए, नेगेटिव दिए हो तो मैं सिर्फ नेगेटिव ही बनाऊंगा, पॉजिटिव नहीं बनाऊंगा। माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह। तो किससे बताना है आपको? के कहाँ पर आ रहा है? दो पर आ रहा है, तो दो से बताना है, दो से बताना है, तो दो से देखिए। छह कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है। लेफ्ट में आ रहा है सर, लेफ्ट साइड। वेरी गुड। चीजें समझ में आई है अभी? अभी यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए अगर समझ में आया है तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये लिखा हुआ था कि चार सात के कहाँ पर आता है, सात चार के कहाँ पर आता है, राइट में आता है। चलिए यहाँ पर बताएंगे बेटा, अभी एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक चीज और ध्यान रखेंगे, किसी संख्या के दाई ओर उससे बड़ी संख्या और बाई ओर सबसे छोटी उससे छोटी संख्या होती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि छह के अगर हम राइट में जाते हैं तो बड़ी संख्या आएगी, और छह के अगर लेफ्ट में जाएंगे तो छोटी संख्या आएगी। समझ में आया? छह के अगर हम राइट में जाएंगे तो बड़ी संख्या, छह के अगर लेफ्ट में जाएंगे तो छोटी संख्या। क्या समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। चलिए ये चीजें अगर सभी को समझ में आई है तो अभी बेटा आप करेंगे आंसर पोल सेक्शन, ठीक है? पोल सेक्शन में बेटा आंसर कर। तो ये रहा क्वेश्चन, संख्या रेखा पर दो सात के किस ओर स्थित है? बेटा सात के, ठीक है? तो पोल सेक्शन में करना है, चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं करेंगे। तो जहां पर के आता है उससे देखना है, सात से देखना है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना कहां पर? पोल सेक्शन में करेंगे। पहले नंबर लाइन आप बना लीजिए और उसके बाद आप आंसर करें। चलिए सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए, तभी मैं बोल रहा हूँ बार बार। हाँ, काफी बच्चों ने कर दिया है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको कि पहले नंबर लाइन आप बना लीजिए, संख्या रेखा बना लीजिए, उसके बाद देखिए, चेक कीजिए। सात से देखना है ना कि दो से देखना, सात से देखना है आपको। बेटा के मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर, सात से देखना है, सात से नंबर लाइन बना लीजिए पहले अपनी, और सात से देखिए कि दो कहां पर आता है, लेफ्ट में आता है या राइट में आता है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। वन टू थ्री फोर फाइव, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन ओपन कर दिया, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? काफी बच्चों के उत्तर गलत आए हैं, ए ऑप्शन लगा रहे हैं आप। हाँ, हर बार बोल रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं एक चीज को कि आपको साथ से देखना है, साथ से देखना है आपको। पहले नंबर लाइन बना लीजिए फिर साथ से देखेंगे। तो एक दो तीन चार पांच छह सात,
अब बताइए सात से देखना है, कितनी बार बोला है सात से देखना है, बताइए सात से देख रहे हैं तो दो कहां पर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है, कहां पर आ रहा है ये अभी, लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। सभी बच्चे, काफी बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया बेटा, बार बार बोला जा रहा है आपको कि सात से देखना है, जहां पर के आ जाता है उस नंबर से देखना है। अभी चीजें समझ में आई है सबको? थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो गया था, वो दाईं साइड आपने बताया था ना, इसलिए मेरे को लगा कि शायद दाईं साइड हो। चलिए अभी समझ में आ गया है? यस सर, अब आ गया। चलिए आगे देखेंगे, अभी आगे आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं, यस या नो? नहीं सर। और किसको कर सकते हैं हम? नो सर। प्राकृत संख्या को कर सकते हैं, पूर्णांक को कर सकते। वेरी गुड, ये तो मैंने अभी बताया था आपको कि हम संख्या रेखा पर पूर्णांक को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, पूर्णांक को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? कि हमने रखा बीच में जीरो, और राइट में जब हम गए तो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, धनात्मक होंगे और बढ़ते जाएंगे ना, बढ़ते जाएंगे। और हमने लेफ्ट में जीरो के लेफ्ट में, बेटा जीरो से बात कर रहे हैं, जीरो के लेफ्ट में रखे सारे नेगेटिव नंबर, तो इसका मतलब ये सारे नंबर घटते जाएंगे, घटते जाएंगे ये नंबर, ठीक है। तो यहां पर देखो ऋणात्मक नंबर को भी हम निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यस सर। अभी आप मेरे को बताएंगे, अगर ये चीजें समझ में आई है सभी के, तो मेरे को सिर्फ है ना ऋणात्मक पूर्णांक बताना है, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कैसे करूंगा मैं, कैसे करूंगा, बस ऋणात्मक करना है। सर मैं बता सकती हूँ? हाँ बताइए। तो यहाँ पर मैंने जीरो ले लिया, फिर मैंने ले लिया माइनस वन, ठीक है, माइनस टू, ये ऋणात्मक पूर्णांक आ गए बेटा, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, माइनस सात, माइनस आठ, एरो लगा दिया, एनसोन ये आगे तक जा रहा है ना, इस एरो का मतलब है ये आगे तक जा रहा है नंबर। ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। और एक चीज और आपको समझना है कि जब हम जीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं, संख्या क्या होती है, घटती जाती है, संख्या घटते घटती जाती है, जाती। ये चीजें समझ में आ रही है आपको? यस सर। सर अभी हमारे एग्जाम में पेट के में क्वेश्चन आया था। कैसा क्वेश्चन आया था बेटा? सर कि सबसे पहले अपनी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को लिखो और उसमें 2.7 को दर्शाओ। 2.7 को दर्शाइए। 2 पॉइंट को दर्शाइए। 0.7 को सर। 0.7 को, अच्छा ठीक है बेटा, 0.7 को बोला गया था, ये बोला गया ना, 0.7 को दर्शाइए सर। 2.7 को। 2.7 ये, यस सर। चलिए तो हाँ, इसके इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप इतना मेरे को बताइए, यहाँ तक समझ में आया है, अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या घटती जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो से छोटा कौन है, माइनस वन, माइनस वन से छोटा कौन है, माइनस टू, माइनस टू से छोटा कौन है, माइनस तीन, माइनस तीन से छोटा माइनस चार, है ना। तो यहाँ पर आप मेरे को बताएंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक माइनस का,
बताइए सबसे छोटी संख्या। सर -8। -8। बेटा इस एरो का मतलब बने बताया था, इस एरो का मतलब होता है कि संख्या आगे तक चल रही है, आगे तक चल रही है संख्या। -11 भी आएगा, -12 भी आएगा, चलते रहेंगे आगे तक। तो -8 तो नहीं होगा। बताइए आगे क्या होगा। एनसोन का मतलब क्या? अनंत। अनंत बताया था ना मैंने, तो -∞। क्योंकि माइनस में जा रहा है ना, तो -∞। तो क्या होगा? -∞। क्या समझ में आया सबको? यस सर। चलिए तो सबसे छोटी संख्या आपको पता चल गई, अभी बताएंगे सबसे बड़ी संख्या। बताइए ऋणात्मक में बताना है बेटा आपको, ऋणात्मक में बताना है सबसे बड़ी संख्या। सर -1। बेटा -1, इससे तो बड़ी संख्या कोई है ही नहीं ना ऋणात्मक, इसके बाद तो 0 आ गया, तो यही सबसे बड़ी संख्या है इसमें ऋणात्मक पूर्णांक में। क्या ये चीजें समझ में आई सबको अभी? यस सर। चल नोट कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और याद रखेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या होती है -1 और सबसे छोटी संख्या होती है अनंत। बहुत बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं कि सबसे छोटी संख्या बता देते हैं -1। ठीक है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी। चलिए आगे आ जाएंगे। देखो यहाँ पर यही लिखा गया है कि सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटा होता है, होता है या नहीं होता है? सारी की सारी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। देखो ये 0 है, तो 0 से सारी छोटी संख्या है ना ये? सर होती है। यस, तो होती है। मतलब अगर मैंने लिखा 0 और -308, तो कौन सी छोटी संख्या है? -308 छोटी संख्या। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सभी ऋणात्मक संख्या 0 के बाई ओर आएगी, तो जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है वो 0 के लेफ्ट में होती है। 0 के कहाँ पर होगी? लेफ्ट में होगी, बाई ओर होगी। और सारी धनात्मक संख्याएं 0 के राइट में होगी, धनात्मक, ठीक है, दाई तरफ हो। देखो यही यहाँ पर लिखा गया, ये धनात्मक है यहाँ तक, ये धनात्मक और ये आ गई ऋणात्मक, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? सर ये तो आपने बताया, मुझे आता है। चल अगर सभी को समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए तो अभी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको करना। पोल सेक्शन देखो बेटा, आया स्क्रीन पर क्वेश्चन, इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कहां पर बेटा आंसर आपका आ गया है तो आपको बोलना नहीं है कुछ, ठीक है, आप आंसर नहीं बोले, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे जब तक आपको आंसर, हाँ वेरी गुड बेटा, जब तक आंसर नहीं बोलेंगे जब तक मैं पोल बंद नहीं कर देता। तो सिंपल आपको दिख रहा है सभी संख्या रेखा नीचे लिखी हुई है, तो -2 बताना है आपको कि कहां पर है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जो बच्चे रह गए हैं बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा, तो जिन बच्चों का उत्तर नहीं आया है वो उत्तर दे देंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा। 1 2 3 4
5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर रहा हूं। बताइए क्या आंसर होगा? सर ए। ए ही दिख रहा है, ए ही दिख रहा है यहाँ पर सिंबल कि ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा के में जीरो के दाएं में मतलब जीरो की बाईं ओर नेगेटिव नंबर होते हैं, तो -1 -2 तो ये वाला होगा, मतलब कि ए ऑप्शन हमारा आ रहा है। तो ये तो -2 है ही नहीं, ये भी नहीं है -2, ये भी नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा बचा। चलिए वेरी गुड। अभी फिर से बेटा स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, उसका भी आंसर आप देंगे पोल सेक्शन। चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने आपका, माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, और अभी आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। दी गई संख्या रेखा पर तीन किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का पोल सेक्शन में उत्तर आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अपना आंसर चैट सेक्शन में कर सकते। तो यहाँ आप नंबर लिख लीजिए, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो, तो 3 किसके बीच में आ रहा है? 2 और 4 के बीच में आ रहा है, तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है, सभी बच्चों का आंसर सही आया, सभी बच्चों ने आंसर सही किया। ठीक है, अभी एक बच्चे का क्वेश्चन था, किसी का फोन आ रहा है बेटा, बस 2 मिनट के बाद आप फोन को अटेंड कर लेना, अभी क्लास को ओवर करने वाले। चलिए देखिए, तो ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 2 और 4। ठीक है, चलिए तो बाकी अभी आपके क्लास को भी ओवर करने का टाइम हो गया है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुके रहेंगे, बाकी बच्चे क्लास को लीव कर। ठीक है, क्लास ओवर करने का टाइम हो गया बेटा आपका, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो बच्चे क्लास में रुक जाएंगे, बाकी बच्चे अपनी क्लास को लीव कर सकते।